आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो बहुत ही इजी और टेस्टी लड्डू रेसिपी, पान गुलकंद लड्डू और रोज गुलकंद लड्डू। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। पान गुलकंद कोकोनट लड्डू बनाने के लिए ये लिया है हमने 3 टेबल स्पून के लगभग गुलकंद। ये गुलकंद आपको किसी भी पान की शॉप पर या किसी किराने की शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और ये लिए हैं हमने कुछ बारीक कटे हुए मिले जुले ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ले सकते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे हैं, इन्हें हम गुलकंद में डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें हम गुलकंद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड ना करना चाहें तो सिर्फ गुलकंद से भी इन लड्डू को बनाया जा सकता है। हमने ड्राई फ्रूट्स और गुलकंद को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये लिए हैं हमने 4 पान के पत्ते। इन पान को हम कट कर लेते हैं। इस पान को हम मिक्सर के इस जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। हमने ये एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। इसे हम लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। हमें इसे हल्का सा रोस्ट करना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। कोकोनट में से अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगी है, हमने इसे लगभग 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क, 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पान जो कि हमने पीस के रखा था। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे लगातार इस तरह से चलाते रहना है, नहीं तो कोकोनट पैन के बॉटम में लग जाएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा कोकोनट और कंडेंस्ड मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और ये डो के फॉर्म में आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए डो हल्का सा ठंडा हो गया है, इतना ठंडा कि हम इसे हाथ से छू सकें। अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। ये देखिए हमने कोकोनट का जो डो बनाया था इसे मसल कर अच्छी तरह से हमने चिकना कर लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इसे हम इस तरह से फ्लैट करेंगे। और ये जो गुलकंद हमने बना के रखा था, थोड़ा सा गुलकंद हम इसके अंदर डालेंगे।
और इसे चारों तरफ से उठाकर इस तरह से पैक करेंगे। और इसे हम लड्डू का शेप देंगे। ये देखिए हमारा लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। और एक प्लेट में हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। इन लड्डू को हम इसमें रोल करेंगे। ये देखिए हमारे पान गुलकंद कोकोनट लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे रोज़ गुलकंद कोकोनट लड्डू। रोज़ गुलकंद कोकोनट लड्डू बनाने के लिए ये लिया है हमने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये लिया है हमने 1 पैन। इसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और इसको लो फ्लेम पर 1 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। हम यहाँ कोकोनट को सूखा ही रोस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 टीस्पून घी भी ऐड कर सकते हैं। कोकोनट को हमने 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। और इसे इस तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून रो अफज़ा। आप यहाँ पर रोज़ सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेग्रेंस के लिए 2 से 3 ड्रॉप रोज़ एसेंस के भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमें इन लड्डुओं में और ज़्यादा शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी बहुत मीठा होता है और इसमें हम गुलकंद डाल रहे हैं, गुलकंद भी मीठा होता है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रेड कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कोकोनट के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए हैं और इस कोकोनट ने एक डो का फॉर्म ले लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस डो को हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे मैश करके चिकना करेंगे। ये देखिए डो हल्का सा ठंडा हो गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, सिर्फ हम इसे हाथों से छू सकें इतना ही हमें इसे ठंडा करना है। अब हम इसे इस तरह से मैश करके और एकदम चिकना कर लेंगे। ये देखिए डो को हमने अच्छी तरह से मैश करके चिकना कर लिया है। अब हम इससे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन हम हमारे हाथों में लेंगे और इसे इस तरह से फ्लैट करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुलकंद और इसको इस तरह से उठाते हुए हम बंद करके इसे एक लड्डू का शेप देंगे। ये देखिए हमारा लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं।
ये लिया है हमने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। इन लड्डुओं को हम इसके अंदर रोल करेंगे। ये देखिए हमारे पान गुलकंद कोकोनट लड्डू और रोज़ गुलकंद कोकोनट लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये लिए हमने थोड़ी सी रेड टूटी फ्रूटी, इसे हम इसके ऊपर लगा देंगे। हम यहाँ पर इस पर टूटी फ्रूटी से गार्निशिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इस पर चेरी या फिर बादाम कतरन से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये लिए हमने थोड़ी सी ग्रीन टूटी फ्रूटी, इसे हम रोज़ कोकोनट लड्डू पर लगाएंगे। वाओ, ये देखिए हमारे दोनों लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं और ये दिखने में जितने खूबसूरत दिख रहे हैं खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। ये लड्डू बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इस रेसिपी से रिलेटेड आप अपने सजेशंस और फीडबैक भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।